कानिकोब जी ब्राह्मण समाज उज्जैन द्वारा नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया है। आयोजित पदभार ग्रहण करने उक्त कार्यक्रम में कानिकोब जी ब्राह्मण समाज के पूर्व IAS चंद्रहास दुबे, वरिष्ठ नेता रवि शुक्ला, संयुक्त ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय मनोज रावत, पंडित प्रेम कुमार मिश्रा, पंडित कृपा शंकर पांडे, डॉक्टर नपेंद्र मिश्रा, पंडित विष्णु दक्षित आदि वरिष्ठ जन सहित कानिकोब ब्राह्मण समाज के पुरुष एवं महिला सदस्यगण बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में अतिथि गणों ने भगवान परशुराम के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए दीप प्रज्वलित किया। श्रीमती गीता दुबे, श्रीमती नीलम दुबे एवं श्रीमती आशा तिवारी ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। नन्ही बालिका कुमारी काव्या दुबे ने नृत्य नाटिका की आकर्षक प्रस्तुति दी, जिसे उपस्थित जनों की भरपूर सराहना मिली। कार्यक्रम में नवीन अध्यक्ष अजय पांडे एवं महिला विंग अध्यक्ष श्रीमती रितु शुक्ला ने नवनियुक्ति पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए दायित्व निर्वाह करने हेतु संकल्प दिलवाया। नवीन कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष के पद पर पंडित अतुल दुबे एवं पंडित गणेश मिश्रा, सहसचिव के पद पर डॉक्टर प्रशांत तिवारी, सचिव के पद पर कृपा शंकर पांडे, संगठन सचिव के पद पर IC दुबे, कोषाध्यक्ष के पद पर आनंद बाजपेयी, सह कोषाध्यक्ष के पद पर राजेश तिवारी, सह सचिव के पद पर अनिल शुक्ला एवं मनोज दुबे, सह सचिव के पद पर CP तिवारी, सांस्कृतिक सचिव के पद पर डॉक्टर अप्रतुल चंद्र शुक्ला एवं योगेश शुक्ला, प्राचार्य सचिव के पद पर पंडित संजय शुक्ला, पुष्करण दुबे एवं प्रबोध पांडे को नियुक्त किया गया है। इन सभी पदाधिकारियों को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस अवसर पर अपने स्वागत भाषण में कानिकोब ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष अजय पांडे भोला गुरु ने बताया कि नवीन कार्यकारिणी का गठन समाज के मुख्य संरक्षक पंडित विष्णु प्रसाद शुक्ला एवं पूर्व IAS अधिकारी चंद्रसाह दुबे की अनुशासन एवं अनुमोदन से किया गया है। श्री पांडे ने बताया कि समाज की धर्मशाला निर्माण हेतु उज्जैन इंदौर फोर लेन के निकट भूमि क्रय का कार्य पूर्णता की ओर है। रजिस्ट्री उपरांत क्रियान्वित की जाएगी। रजिस्ट्री उपरांत धर्मशाला निर्माण की प्रक्रिया तेजी से क्रियान्वित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस हेतु ब्राह्मण समाज के अन्य संगठनों से भी यथा आवश्यक सहयोग लिया जाएगा। सभी एक साथ एक सुर में होकर एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखते हुए चलते चले जाते हैं और हमारा कार्यक्रम बढ़ता चला जाता है। छोटे से रूप में खेलते खेलते हम लोगों ने इस महिला इकाई का गठन कर लिया था। हमारी अर्चना भाभी ने बहुत प्यार से इस महिला विंग को संभाला था। उसके बाद के दायित्व में आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।